हर की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ है शुभांगी पांडे। राजद ने दूसरे चरण के लिए अपने हिस्से आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। तीसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों को भी सिंबल दिया गया है, हालांकि कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। पार्टी ने अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। सामाजिक समीकरण को देखते हुए नए चेहरों को उतारा गया है। वहीं कुछ विधायकों को टिकट कटने की स्थिति में कहीं समायोजित करने का भरोसा भी दिलाया गया है। रघुनाथपुर सीट पर पार्टी ने अभी सिंबल तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के चुनाव लड़ने की संभावना काफी तेज है। राजद सूत्रों के माने तो हर सिद्धि सीट पर मौजूदा विधायक राजेंद्र कुमार की जगह नागेंद्र राम और केसरिया के सिटिंग विधायक डॉक्टर राजेश कुमार की जगह संतोष कुशवाहा को सिंबल मिलेगा। बरौली के विधायक नेमतुल्लाह की जगह रियाजुल हक राजू, तरैया की सिटिंग विधायक मुंडका प्रसाद राय की जगह सिपाही लाल महतो को उतार कर सिंबल मिलेगा, जबकि साहेबपुर कमाल सीट के मौजूदा विधायक श्री नारायण यादव के पुत्र ललन कुमार को टिकट दिया गया है। मनेर से भाई वीरेंद्र कुमरार से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवशी, फतुहा से डॉक्टर रामानंद यादव चुनाव लड़ेंगे। कल्याणपुर से मनोज यादव, मधुबनी से समीर कुमार महासेठ, दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव, कांटे से मोहम्मद इसराइल मंसूरी, साहिबगंज से रामविचार राय, सिवान से पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, एकमा से श्रीकांत, बनियापुर से केदारनाथ सिंह और मढ़ौरा से जितेंद्र यादव, गरखा से मुनीश्वरी चौधरी, अमनौरा से सुनील राय को सिंबल मिला है। सुनील सारण के जिलाध्यक्ष भी हैं। हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, उजियारपुर से आलोक महतो, मोहनीद्दीनपुर से अजय यादव प्रत्याशी बनी हैं। आपको बता दें कि सराय रंजन से अरविंद कुमार सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है। गायघाट से निरंजन राय को सिंबल मिला है। नरपतगंज से अनिल कुमार यादव, निर्मली से यदुवंश यादव प्रत्याशी होंगे। सुरसंड से अबू दुजाना को फिर सीट मिली है। बाजपट्टी से मुकेश यादव, ढाका से फैसल रहमान, मोतिहारी से ओम प्रकाश सहनी, नरकटियागंज से डॉक्टर शमीम अहमद को सिंबल मिला है।